Assalamu alaikum. My name is Sharia Khan. Welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to talk about how to book your Master's German Study Visa appointment in Islamabad Embassy. So let's go and book your appointment for yourself. बुक करने के लिए सबसे पहले आपने आना है यहाँ पे टाइप करना है लिंक जो कि मैं डिस्क्रिप्शन भी मेंशन कर दूंगा. आपने सिंपली इस लिंक पे जाना है और यहाँ पे आप आएंगे ये इस्लामाबाद एम्बेसी की जो है वेबसाइट. तो सिंपली आपने यहाँ पे आना है, न्यू अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है. उसके बाद जब न्यू अपॉइंटमेंट पे क्लिक हो जाएगा तो यहाँ पे अपने अपनी डिटेल्स देनी है. लेट्स से मैं अपनी डिटेल पुट कर रहा हूँ. इसी तरह आपने अपनी डिटेल करनी है. ईमेल आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब मैं तो अभी फिलहाल वैसे ही पास इंट्री कर रहा हूँ, बट आपने अपनी जो होती है जीमेल वो बिल्कुल सही पुट करनी है, क्योंकि जो आप जीमेल यहाँ पे पुट करेंगे उसी पे आपको एक ईमेल आएगी जो कि आपने उसमें जाके कंफर्म करना होता है जब आपको इंटरव्यू की मेल आती है. तो आपने दो बार तीन बार जितनी दफ़ा हो सकता है यहाँ पे चेक लाजमी करना है कि आप जो ईमेल टाइप कर रहे हैं कि वो ठीक है कि नहीं, क्योंकि एक दफ़ा सबमिट हो गई तो उस पासपोर्ट पे तो जब तक वो अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं होगी तो दूसरी बुक नहीं हो सकती. उसके बाद यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर आपने लिखना है एंड देन सिटीजनशिप पाकिस्तानी, टेलीफोन नंबर जो भी है. अब ये जो मेन चीज आ गई है ये यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है कि आपने कौन सी चीज सेलेक्ट करनी है. अब जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये जो पहली कैटेगरी है ये स्कॉलरशिप वालों की है, जिनकी ऑफिशियल जो है जर्मन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से या दाद से समथिंग के पास स्कॉलरशिप होती है, तो उन्होंने ये वाली कैटेगरी सेलेक्ट करनी है. उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है ये PhD स्टूडेंट के लिए है जो कि होल्डिंग एडमिशन लेटर फ्रॉम अ जर्मन यूनिवर्सिटी. इसके बाद जो तीसरी कंडीशन कैटेगरी है वो है मास्टर स्टूडेंट होल्डिंग एन अनकंडीशनल, ये फिर देख लें अनकंडीशनल डायरेक्ट एडमिशन लेटर फ्रॉम अ जर्मन यूनिवर्सिटी. ये बेसिकली जो मास्टर वाले हम स्टूडेंट्स होते हैं कि यूजली कंडीशन बहुत कम होती है लैंग्वेज की या APC कंडीशन समटाइम्स होती है, बट उनको ये वाली जो है कैटेगरी है वो उन्होंने सेलेक्ट करनी है. उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है बैचलर्स के लिए होल्डिंग एन अनकंडीशनल डायरेक्ट एडमिशन लेटर फ्रॉम अ जर्मन यूनिवर्सिटी. एंड नेक्स्ट उसके है कि अगर आपकी स्टडी प्रिपरेशन जैसे लैंग्वेज कोर्स होता है या बैचलर्स के लिए जैसे फाउंडेशन कोर्स होता है जो उन्होंने एक साल की वहाँ पे करना होता है, उसके बाद वो जो है बैचलर्स के लिए जर्मनी में एलिजिबल होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो बैचलर्स है वो 3 ईयर का कंसिडर किया जाता है, बट उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है. हमारी तरह नहीं है कि 12 ईयर ऑफ एजुकेशन के बाद आप बैचलर अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए हमारा बैचलर भी 4 ईयर्स का होता है. या फिर इसके अलावा अगर आपके पास कोई और कैटेगरी में आपने सेलेक्ट करना है तो फिर आपने अदर सेलेक्ट करनी है. हमारा क्योंकि मास्टर्स के लिए है तो हम उसमें ये वाली कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे. उसके बाद ये पूछता है कि कौन से सेमेस्टर के लिए या सेशन के लिए आप जो है ये अप्लाई कर रहे हैं. जैसे कि अभी जो अवेलेबल है वो है विंटर सेमेस्टर 2022 और 2023, तो हमने इस वाले को सेलेक्ट कर लेना है. या अगर किसी का बैचलर या कोई और होता है लैंग्वेज कोर्स और अदर विदाउट एडमिशन तो उसने वो दूसरी कैटेगरी कर लेनी है, पर हमारे लिए मास्टर स्टूडेंट्स के लिए हम ये विंटर वाली सेलेक्ट करेंगे. उसके बाद यहाँ पे ये जो लोड एंड अदर पिक्चर कोड हमें एंटर करना है, हम बताना चाहते हैं कि हम जो है लेट्स से रिपोर्ट में हैं NBY32M. जैसे कि हमने ये एंटर कर दिया, उसके बाद हम सबमिट करेंगे. जब हम सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद हमें एक ईमेल आती है. इस ईमेल में हमारी डिटेल्स वगैरह होंगी कि हमें लेट्स से जिस तरह के मुझे ये वाली ईमेल आई थी जैसे यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर द वेटिंग लिस्ट टू ऑब्टेन एन अपॉइंटमेंट फॉर सबमिटिंग अप्लीकेशन फॉर स्टडी वीजा. ये रेफरेंस नंबर, ये आपका रेफरेंस नंबर होगा. इससे आपको आइडिया होता है कि अभी जैसे हम एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि अभी कौन सा रेफरेंस नंबर चल रहा है या अभी कौन सी किसकी अपॉइंटमेंट आ गई है कि नहीं आई, तो ये है बेसिकली. ये जो स्टार्टिंग के 4 डिजिट्स हैं 1380 ये ज़रा इंपॉर्टेंट होते हैं. लास्ट वाले एट द एंड आप कंसिडर करते हो, पहले आप चेक करते हो कि सीरीज चल रही कौन सी है, सीरीज में होता है. उसके बाद यहाँ पे आपका अपना पासपोर्ट नंबर मैंशन होगा, यहाँ पे आपका नाम होगा, आप इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने कौन सी बुक की है. मास्टर स्टूडेंट होल्डिंग एन एडमिशन लेटर फ्रॉम अ जर्मन यूनिवर्सिटी, एडमिशन वैलिड फॉर समर. मैंने समर के लिए अप्लाई किया था तो ये मेरी वो ईमेल है जो मुझे आई थी, तो इसमें वो समर 2023 मिल रहा है. यहाँ पे जो आपकी ईमेल होती है वहाँ पे ये मैंशनड होगी और आपको कहेंगे कि जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा कि आपकी जो है अलॉट हो गई है कोई भी स्लॉट इंटरव्यू के लिए, तो आपको ईमेल आएगी वो इस वाली जो है जीमेल पे आएगी. तो इनकमिंग रजिस्ट्रेशन या आगे वैसे डिटेल वगैरह लिखी है कि अगर आपने क्या कुछ करना है ये फॉलो नहीं है. एक और जो चीज़ इसमें देखनी है कि फ़र्ज़ करें आपने ये, अच्छा ये देखना कि ये बाय डिफ़ॉल्ट लिखा होता है. ये पहले चीज़ एक होती थी कि वो ये कहते होते थे अप टू 12 मंथ या अप्रॉक्सीमेटली 12 मंथ, ये बाय डिफ़ॉल्ट हर किसी को आएगी. तो ये देख के नहीं कहना कि आपको एक साल बाद अपॉइंटमेंट आएगी या इतना टाइम ले लेगी, ये बाय डिफ़ॉल्ट चल रहा है 2 to 2.5 मंथ में आपको अपॉइंटमेंट यूजली आ जाती है. अच्छा ये चीज़ हो गया. उसके बाद अगर फ़र्ज़ करें आपने अपॉइंटमेंट बुक कर लिया, आप कैंसिल करना चाहते हैं या कोई भी इशू हो जाता है,
कि आपने जल्दी बुक कर लिया या कुछ भी हो गया, आपको मूड चेंज हो गया क्या, तो आपने सिंपली इस लिंक पे, इसी जिसमें आपको कंफर्मेशन आई है, इसी को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे ये लिंक है, इस वाले पे, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे मेरा तो अभी नहीं होगा, तो ये एक पेज ओपन होगा जहाँ पे वो पूछेंगे कि आपने वाकई कैंसिल करनी है, नहीं तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करके कैंसिल कर देनी है, अगर तो आपने कैंसिल करनी है, नहीं करनी तो इस पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं, ये ईमेल पुरानी है और अब ये कैंसिल नहीं हो सकती क्योंकि मैं ऑलरेडी जर्मनी में हूँ, रिव्यू वगैरह हो चुका है। तो इस केस में ये होता है कि आपने यहाँ से अगर कैंसिल करनी है तो आप इधर से आके कैंसिल कर सकते हैं। बट एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट की ईमेल आती है कि आपकी इस डेट को अपॉइंटमेंट है, तो आपको इस ईमेल को जैसे जिस तरह ये ईमेल है उसी तरह इस ईमेल में जाना होगा। लेट्स सी, अगर मेरे पास अभी तक वो होनी तो चाहिए, फैब, ये समथिंग लाइक दिस, इस तरह की आपको ईमेल आएगी कोई भी, उसमें आपको ये लिखा हुआ होगा कि योर अपॉइंटमेंट इज ऑन दिस डेट, ये इसी तरह वही रेफरेंस नंबर वगैरह आपका लिखा होगा, तो ये उन्होंने बताया हुआ होगा कि आपका ये अब मेरी टाइम स्लॉट थी जिसमें मेरा इंटरव्यू होना था, और ये आगे डिटेल वगैरह होती है कि किधर है, शटल सर्विस लेनी है या नहीं, समथिंग लाइक दैट। इसमें भी अब ऑप्शन है, अगर आपने इस लिंक पे आके इसको कन्फर्म नहीं किया विद इन 7 डेज, जैसे ही आपको ये अपॉइंटमेंट आई है, अगर आपने उसमें आके इसको कन्फर्म नहीं किया तो आप ये अगर कैंसिल करनी है तो ये अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो आपकी अपॉइंटमेंट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है। तो ये जैसे लिखा है, इफ यू डू नॉट रिकन्फर्म द अपॉइंटमेंट विद इन 7 डेज आफ्टर रिसीप्ट ऑफ दिस ईमेल, द अपॉइंटमेंट विल बी ऑटोमेटिकली कैंसल्ड। तो आपने ये चीज लाजमी ध्यान देना है कि जिस दिन ही आपको अपॉइंटमेंट अलॉट होगी, कोई भी स्लॉट अलॉट हुई है, तो आपने स्क्रॉल डाउन करना है और इस लिंक पे आके क्लिक करना है। अगेन मेरी इस तरह की आपके पास कोई चीज़ ईमेल होगी जहाँ पे आके आपने योर अपॉइंटमेंट हैज बीन कन्फर्म, इस तरह का लिखा हुआ आएगा। जब तक इस पे क्लिक नहीं करेंगे और 7 डेज पास हो गए हैं, तो आपकी अपॉइंटमेंट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी और फिर कुछ भी नहीं हो सकता, आपको अगेन से प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इस चीज़ से बचना है तो आपने यहाँ पे आके जैसे ही अपॉइंटमेंट वाली ईमेल, जिस दिन आपको ये ईमेल आएगी कि आपका इस दिन इंटरव्यू है, स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आना है और इस लिंक पे क्लिक करना है ताकि आप अपनी अपॉइंटमेंट सिक्योर कर सकें। अगर 7 डेज के अंदर अंदर आपने ये नहीं किया तो अपॉइंटमेंट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है। तो इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है।